सनातन धर्म को सबसे पुराना धर्म माना जाता है। इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था। देश में ऐसे कई मुसलमान हैं जिन्होंने खुद स्वीकारा है कि उनके वंशज हिंदू थे। इस बहस के बीच पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक मौलाना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने खुद इस बात पर मुहर लगा दी है कि वो हिंदू थे। इस वीडियो ने पूरी दुनिया में मुस्लिम कट्टरपंथियों में खलबली मचा दी है, या यूं कहें कि कई मौलानाओं को मिर्ची लग गई है। वैसे तो कई बार इस बात की पुष्टि कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने इसे लेकर सनसनीखेज खुलासा किया। इस वीडियो के वायरल होते ही उनके पूर्वजों को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। इनका नाम है मौलाना तारिक जमील, जो कई बार कह चुके हैं कि वो राजपूत चौहान हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ये बात स्वीकार ली है। उन्होंने स्वीकारा है कि वे हिंदू चौहान राजपूत हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात को कबूला। इसके साथ ही उनकी जाति को लेकर भी सवाल किया गया। दरअसल मौलाना एक यूट्यूबर आकिब फरीद को इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें उन्होंने बातचीत के दौरान इस बात को कबूला। बड़ी ही बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी जाति को लेकर भी जवाब दिया। जब उनसे आकिब ने उनकी जाति के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब में क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। अच्छा मौलाना, आपकी कास्ट क्या है? हमें अक्सर लोगों को तो पता भी नहीं होता हमारे जो आबाओ अजदाद हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से नस्ल चलती आ रही है। तो आपका सुना है कि आप बड़ी दूर तक अपना शजरा बताते हैं, तो उसके बारे में बताएं कि आप कहाँ से, मतलब कि आपका जो शजरा है आपको याद है। हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान। जब पृथ्वीराज को शिकस्त हुई 1191 में, शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे शिकस्त दी, फिर उसे कत्ल किया और चौहानों की हुकूमत ख़त्म हुई। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल। 600 साल किसी ख़ानदान की हुकूमत नहीं है। तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों पे मुसलमान हुआ। तो हम लोग उसकी नस्ल में से हैं। इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है और पसंद भी किया जा रहा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि महाराज पृथ्वीराज चौहान का सिर्फ एक ही पुत्र था, जिसका नाम गोविंद राज चौहान था। उनके बेटे महाराव हमीर देव हटी चौहान के पुत्र रामदेव चौहान थे, यानी रामदेव चौहान पृथ्वीराज चौहान के पर पोते थे। लेकिन एक बात तो साफ है, जो मौलाना साहब खुद कह रहे हैं कि उनके हिसाब से वो हिंदू राजपूत के वंशज ही हैं। लेकिन आपके जहन में ये सवाल होगा कि आखिर ये मौलाना है कौन। दरअसल मौलाना तारिक जमील का जन्म 1 अक्टूबर 1953 को मियां चन्नू पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। वो हनफी आंदोलन तबलीगी जमात से जुड़े हैं। उनकी गिनती चर्चित मजहबी तकरीर करने वालों में होती है। उनकी गिनती 2012 से हर साल 500 से सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में होती रही है। हालांकि वो इससे पहले भी इस बात को कबूल कर चुके हैं कि उनके पूर्वज राजपूत थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी जाति पर भी मुहर लगा दी। अगर आप इस पूरे इंटरव्यू को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस इंटरव्यू का लिंक दिया गया है, या फिर आप आकिब फरीद नाम के यूट्यूबर के पेज पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे मौलाना की इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।